तो आज है अपने पास एक ऐसी कमाल की डिवाइस जो वीपीएन यूज करने वालों का काम इतना आसान कर देगी कि जहां पे कुछ नहीं खुल रहा था वहां सब खुल जाएगा। इंटरनेट की बात कर रहा हूँ। ये है डीपर कनेक्ट एयर, जो कि एक डीपीएन है, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्राइवेट नेटवर्क। तो देखो, वीपीएन अगर आप यूज करते हो तो उसमें काफी सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लाइक आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेने होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे स्पीड फ्लक्चुएट करती है, एंड वीपीएन काम चलाओ तो है बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इस डिवाइस के साथ जो वीपीएन वाले झंझट बताए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। एंड इसका कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ एक बार डिवाइस परचेज करनी है। और ये आपके घर में जितने भी डिवाइसेज है, चाहे वायर्ड या वायरलेस, लाइक पीसी, टैबलेट, मोबाइल फोन, टीवी, सब चलेंगे। और इसके कुछ आउटस्टैंडिंग फीचर्स बता देता हूँ, लाइक ऐप रिलोकेटर, एड ब्लॉकिंग, पेरेंटल कंट्रोल, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, और भी बहुत कुछ है। क्या सारा अभी बता दूं? तो देखो, इसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल क्लीन है। सबसे पहले आपको ऊपर एक कार्ड मिलता है जो कि अंदर चिपक गया है। तो यहाँ पे एक एटीएम साइज का कार्ड मिल रहा है जिसपे क्यूआर कोड है, स्कैन करो और सेटअप गाइड ले लो। वेल, काफी सिंपल है, मैं यूज करके देख चुका हूँ। देन यहाँ पे आपको एक छोटी सी डिवाइस मिलती है जिस पर डुअल एंटीनास, यूएसबी टाइप सी कनेक्टिंग, एंड इसका ओवरऑल बिल्ड एल्यूमिनियम का है। रीजन इज कि इसमें क्वाड कोर सीपीयू के साथ 1GB रैम मिल रही है एंड 2W इसकी पावर कंजम्पशन है, तो एल्यूमिनियम बॉडी की वजह से ये ठंडा रहेगा। एंड हाँ, इसको कह सकते हैं कि एक पोर्टेबल वीपीएन राउटर है। देन यहाँ पे एक और कनेक्टर मिल रहा है टाइप सी टू यूएसबी, ट्रेडिशनल वाली। तो अगर आपके लैपटॉप या चार्जर में टाइप सी पोर्ट नहीं है तो जस्ट इसको यहाँ पे ऐसे लगा के अब प्लग इन कर सकते हो। ये तो होगा। वेल, मेरे लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट है तो हम इसे हटा देते हैं एंड डायरेक्ट सेटअप करते हैं। एंड सेटअप इस डिवाइस का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है, क्योंकि जस्ट एक प्लग एंड प्ले प्रोसेस है। सिंपली प्लग किया एंड 30 सेकंड वेट करना है। तो यहाँ पे आफ्टर 30 सेकंड रेड लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी। इसके बाद आपने जाना है अपने ब्राउजर में, कोई भी ब्राउजर हो, हमारा क्रोम है। अब यहाँ पे एक आपको आईपी एड्रेस डालना है, विच इज 34.34.34.34 एंड एंटर। तो इस डिवाइस का ये यूजर इंटरफेस है एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल रहा है। एंड इसका जो यूआई है ये काफी ज्यादा सिंपल एंड क्लियर है, आपकी लोकेशन ये दिखा देगा। अब सबसे पहली चीज डीपीएन आती है, जो वीपीएन हम बात कर रहे थे। अब मोड में जाने के बाद आपको 3 मोड मिलते हैं कि आपने डीपीएन यानी कि जो वीपीएन है उसको डिसेबल रखना है, फुल मोड में जाना है, स्मार्ट मोड में। तो अगर फुल रूट करोगे एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जर्मनी चूज कर लिया, तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपको एक टिप देगा कि अब जितना भी ट्रैफिक है वो सारा का सारा इस कंट्री के थ्रू जाने वाला है। यानी कि उस कंट्री में जो भी कंटेंट, जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल है वो सारी की सारी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी स्पीड लॉस एंड विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वीपीएन में आपको हर कॉन्टिनेंट या कंट्री के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। बट यहाँ पे वन टाइम डिवाइस लिया एंड सब कुछ आपके हाथ में, तो ओके किया। एंड नाउ लेट्स सी कि ये काम करता है या नहीं। वैसे टिकटॉक बैन है इंडिया में बट वीपीएन के थ्रू ट्राई कर रहे हैं। एंड यू कैन सी कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड ये ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो भी जर्मन है, दैट मींस जो सारा का सारा ट्रैफिक है वो जर्मनी के थ्रू जा रहा है। देन यहाँ पे टनल मिल जाता है जिसमें आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी जितनी भी वीपीएन की सर्विस यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद इसी तरीके से रूटिंग है, तो मतलब डीपीएन में आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। देन नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज ऐप रिलोकेटर। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग एप्स अलग अलग कॉन्टेंट दिखाती है। लाइक नेटफ्लिक्स का इंडिया का कॉन्टेंट अलग है और अमेरिका का कॉन्टेंट अलग है, कैनेडा का अलग है। तो यहाँ पे आप सारी कंट्री के कॉन्टेंट एक्सेस कर सकते हो अगर कीड़ा है आपको देखने का। एंड दीज आर द डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे नेटफ्लिक्स अलग अलग तरीके से अवेलेबल है। एंड सिमिलर वे में डिज्नी प्लस, प्राइम वीडियो, हुलू और भी यहाँ पे जो नेटवर्क्स हैं उनका आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का एक्सेस मिल जाएगा। तो ऐप रिलोकेटर एक्जेक्टली काम कैसे करता है, प्राइम वीडियो पे टेस्ट करते हैं। तो राइट नाउ प्राइम वीडियो इंडिया वाला चल रहा है और सारा का सारा कंटेंट रिकमेंडेशन भी इंडिया का ही आ रहा है। तो अब चलते हैं ऐप रिलोकेटर में, जहां पे प्राइम वीडियो का इटली कंट्री सेलेक्ट करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी कि ये शो कर रहा है कि आप ट्रेवल कर रहे हो, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, और कुछ कंटेंट आपको इंडिया वाला यहां पे नहीं दिखाई देगा। एंड जब नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो यहां पे इटली का जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा आपके सामने रिकमेंड एंड सजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद मैंने प्राइम वीडियो का यहां पे जापान कंट्री सेलेक्ट किया और अब यहां पे जो सजेशन एंड रिकमेंडेशन है वो जापान की आनी शुरू हो गई। और ऐप रिलोकेटर फीचर ऐसे ही अदर ओटीटीज एंड नेटफ्लिक्स पे भी काम करता है। तो यहां पे नेटफ्लिक्स जो मैंने कनाडा वाला सेलेक्ट किया, तो इसने नेटफ्लिक्स कनाडा का ही ओपन कर दिया विदाउट एनी वीपीएन, और वो भी इन जस्ट वन क्लिक। देन यहां पे नेक्स्ट चीज आती है डीएनएस ऐड फिल्टर एंड आल्सो एचटीटीपीएस ऐड फिल्टर। तो यहाँ पे HTTPS ऐड फिल्टर एक्टिव करते हैं, तो लेट्स ट्राई YouTube पे ऐड आता है नहीं। तो इंडिया का YouTube एक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए हमें DPN स्मार्ट रूट करना पड़ेगा। स्मार्ट रूट इज इसलिए कि जो आपका कंटेंट इंडिया के लिए ही अवेलेबल है वो आपका एज इट इज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कर क्या रहा है कि ऐड को डिस्प्ले नहीं होने दे रहा, डायरेक्ट स्किप ऐड का ऑप्शन दे रहा है, यानी कि जो YouTube प्रीमियम का अलग से सब्सक्रिप्शन था उसका भी किस्सा खत्म। नाइस। देन यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल फीचर मिल रहा है, अगर आप अनवांटेड कंटेंट अपने बच्चों को नहीं डिस्प्ले कराना चाहते किसी भी कंडीशन में, प्लस सोशल मीडिया को भी ब्लॉक करना चाहते हो, तो वो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब कि जो एडिक्शन वाली चीज है वो आप यहाँ पे बैन कर सकते हो, आपका बच्चा किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं कर पाएगा, इवन अपनी भी आदत सुधार सकते हो। देन यहाँ पे सिक्योरिटी में आपको कस्टमाइज डीएनएस रूल मिल जाता है, आप कस्टमाइज कर सकते हो डीएनएस को। एंड सिमिलर गोज विद HTTPS।
एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको माइनिंग का मिल रहा है जहां पे आप माइनिंग कर सकते हो। एंड ये रही इस डिवाइस की कुछ जनरल स्पेसिफिकेशन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वाड कोर सीपीयू, 1GB रैम है जिसमें से 0.6GB यूज हो रही है। ट्रैफिक की बात करें तो अभी हमने यूट्यूब एक्सेस किया था तो वो इसने दिखा दिया, जहां पे 1.4MB डेटा अपलोड हुआ है एंड 10.8MB डाउनलोड हुआ है। तो मतलब जो भी आपके यूजर्स रहने वाले हैं वो भी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। एंड ये आ गया आपका ग्लोबल कनेक्शन, बैठे इंडिया में हो लेकिन कनेक्टिविटी आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से मिल रही है। तो ये डीपीएन वाला कॉन्सेप्ट वीपीएन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कूल एंड किफायती भी। वेल इसका जो प्राइसिंग है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। एंड हाँ, इस डिवाइस की एक खास चीज और है कि अगर इस डिवाइस को आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप या पीसी में नहीं लगाना चाहते तो सिंपली किसी भी पावर एडेप्टर में लगा दो। ये डिवाइस हर वक्त एज ए राउटर की तरह भी काम करता है। लाइक मेरे फोन पे आप देख पा रहे होंगे डीपर वाईफाई 21। तो अगर आप नहीं चाहते वायर्ड कनेक्शन बनाना यानी कि प्लग एंड प्ले वाला, तो सिंपली एडेप्टर में लगाओ और इसका जो नेटवर्क है वो आप अपने सारे डिवाइसेस पे एक्सेस कर सकते हो। एंड बात आती है डीपीएन यूज करने की, तो आपने सेम आईपी एड्रेस यूज करना है जो कि यहाँ पे दिख रहा है, क्वाड टाइम 34 बीच में डॉट लगा के। तो इसका अगर पासवर्ड पता करना है तो सेटिंग्स के अंदर जो वाईफाई वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको पासवर्ड दिख जाएगा। मेरे वाले का आई लव डीपर है, ज्वाइन करते हैं। फुल रूट में जाके जर्मनी सेलेक्ट किया एंड लेट्स ट्राई कि क्या फोन पे टिकटॉक चलेगा। मैं टिकटॉक के पीछे इतना क्यों पड़ रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो इंडिया में बैन होने का अलग ही मजा आया है। एंड यू कैन सी कि हो गया एक्सेस। तो डायरेक्ट यूज करना चाहते हो डायरेक्ट करो, अदरवाइज वाईफाई कनेक्शन ये बना देता है, सारे डिवाइसेस पे कनेक्ट हो जाएगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वीपीएन ज्यादा प्रेफर करोगे या इस तरीके का डिवाइस अगर एक अफोर्डेबल प्राइसिंग पे मिल रहा हो। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग डीपर कनेक्ट एयर। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।